इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की वैकेंसी के बारे में जो कि हैदराबाद की है। पर उसके बात करने से पहले फ्रेंड मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दो जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। फ्रेंड्स मेरा फेसबुक पेज भी है तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, जिसका नाम सरकारी तैयारी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको लाइक कर सकते हैं प्लीज। और इस वीडियो का एंड तक देखिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसमें आपकी सारी डिटेल को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, जो जो आपकी प्रॉब्लम रहती है वो। 510 स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यंग फेलो की क्लस्टर लेवल पर रिसोर्स पर्सन वैकेंसी निकली है, उसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं, जो कि हमारी 10 अगस्त 2020 तक के लिए है। तो इसके लिए आप पूरे इंडिया से किसी भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारी पहली बात थी, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, जिसकी आप दे सकते हैं यहाँ पर 55,000 से लेकर 55,000 सैलरी रहेगी। एज जो रहेगी 30 से 55 रहेगी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस। इसकी एज को क्वालिफिकेशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिकल रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, सोशल वर्कर डेवलपमेंट स्टडी एंड सिमिलर डिसिप्लिन रहेगा। दी टर्म ऑन पीजी डिग्री में भी आपको रिलैक्स केस मिलेगा, इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे तो फ्रेंड एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है। मिनिमम एकेडमिक आप स्टैंडर्ड होना चाहिए 60% मार्क इन सेकेंडरी, ठीक है, क्लास 10th आर इक्विवेलेंट 50% मार्क होंगे हायर सेकेंडरी, और यहाँ पर इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन 50% मार्क होंगे ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अबव मेंशन इन डिसिप्लिन। यंग फेलो के लिए आप दे सकते हैं, जो 250 के लिए उसकी 35,000 सैलरी रहेगी, 25 से 30 रखी गई है इनकी एज लिमिट, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन की बात करें, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी, सोशल वर्कर डेवलपमेंट स्टडीज, सिमिलर डिसिप्लिन, वही जो कि मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले सेम रहेंगे। मिनिमम एकेडमिक आपका स्टैंडर्ड रहेगा 60% इन सेकेंडरी, जो कि हाई स्कूल, इक्विवेलेंट आपके रहेंगे 50% रहेंगे जो आपके ट्वेल्थ में रहेंगे, आपके 50% डिसिप्लिन रहेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन में, और फिर आपने ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो उसमें आप 50% रहना चाहिए। क्लस्टर लेवल रिसोर्स पर्सन की रहेंगे 250 वैकेंसी, जिनमें 12,500 रहेंगी, ठीक है। आप नॉट एक्सीड 40 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और SHG बैकवर्ड एंड ग्राउंड ग्रुप लीडर फॉर फाइव ईयर। आपका प्रोफेस आपका यहाँ पर रीडिंग इंग्लिश प्लस राइटिंग इन स्पीकिंग हिंदी लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन विजिट नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए आप रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 अगस्त 2020 तक है, उसके लिए आवेदन दे पाएंगे, ठीक है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, किस तरीके से हम आवेदन देंगे वो सब आपको मैं बताता हूँ। आपकी हम उसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की पंचायत राज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, वही डिटेल है जो कि मैंने आपको बताई थी, वो सब आप देखें। जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमारी स्टेट प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर की है, जो कि 10 वैकेंसी निकली है उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है, मैं आपको सब चीज बता चुका हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो डिटेल में दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते कंपिटिशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखा है, वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 ईयर फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस हैविंग वर्क ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड पार्टिकुलरली प्लानिंग प्रोजेक्ट GP। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है, आपकी सैलरी यहाँ पे बताई गई है। पोजीशन यंग फेलो की आप दे सकते 250 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे आप मैं बता चुका हूँ सारी डिटेल आपको, ठीक है। कंपटीशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे सब चीज मैंने आपको बता रखा है, और अच्छे से जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, फिर मैं आप भी पूरा देखते नहीं है, तो अगर आप सपोर्ट करें तो मैं आपके लिए पूरा डिटेल बना सकता हूं, अगर आप सपोर्ट करें तब। फ्रेंड्स ये थी सब डिटेल जो कि मैं लगभग आपको सब जानकारी दे चुका हूं। अब हम फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस देखिए, यंग फेलो के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, तो आप उसको हमें पढ़ लीजिएगा, आप पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की, यहाँ पे आपको सब चीज बता रखा है, इसको पढ़ लेना अच्छा रहता है, ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती फॉर्म भरते समय। यहाँ पे आप यंग फेलो की नाम आ रहा है, नेम ऑफ फुल आ रहा है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, फिजिकल चैलेंज है या नहीं, माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं, तो ये सब पे अगर यस करना है, अगर आप इन सब में से आते हैं तो इसको यस कर दीजिए, तो उसके बाद उनकी कैटेगरी खुल जाती है, ठीक है।
तो वो उनके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं नो कर देता हूँ। आपके सेलेक्ट कैटेगरी करनी है ST, ST जनरल OBC, तो मैं इसमें जनरल पे कर देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको, ईमेल आईडी देनी है, कंफर्म ईमेल करना, मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट का मैं आपको अभी रजिस्टर करने के बाद बताता हूँ। फ्रेंड अब उसके बाद हम लॉग इन करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट लॉग इन में मैंने आप रजिस्टर कर लिया था, जो कि आपके मोबाइल पर आया होगा, तो आपको वो टाइप करना है। ठीक है, मैं टाइप करता हूं जब तक। तो कुछ इस तरीके से आपका ये इंटरफेस आएगा लॉग इन करने के बाद। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम, इंटर ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर बताना है, ठीक है, नेशनलिटी बतानी है। यहाँ पे आपको इंटर आपको एड्रेस करना है, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हैं, आप किस स्टेट से, वो बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर इसका पिन कोड बताना है। अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो उसको आपको इधर ही कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे स्टेट, अगर डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड बताना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, एक्सप्लेन डिटेल आएगा, एडिशनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आएंगे, रेफरेंस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन प्रीव्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज डिटेल जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको अपलोड करना है, तो ये इंटरफेस मैंने समझाया। तो आई होप आप ये सब आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी कोई डिफिकल्टी होती है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे फेसबुक पेज सरकारी तैयारी को भी लाइक करें। थैंक यू।